गुरुदेव, अगर हम पूर्वज से जो बात करते हैं, आपने जैसा कहा कि इनके हमें हम पे उपकार है, ऋण है, तो इसीलिए हम उनके स्मरण भी करते हैं, उनका आशीर्वाद भी लेते हैं, उनके जो संस्कार थे उसके कारण हम जो है वो बने हैं। और आज हम एक वर्तमान पीढ़ी की अगर बात करते हैं, तो हम भी कभी अभी आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी भी जिम्मेदारी है ही कि भाई ये कुछ हमको करना है। और आज के युग में, आज मैं ये देखता हूँ, अभी मैं खुद एक मीडिया मीडिया में काम भी करता हूँ, हमारे खुद के अखबार है, टेलीविजन है, और ये देख रहे हैं कि सत्य कहीं तो छुप रहा है, किसी की ओपिनियन है, परसेप्शन है, ये अभी सच आगे करके आ रहे हैं। रामायण में एक ऐसी व्यक्ति थी जिसने सीता पे एक शक की नजरों से देखा। अभी ऐसे लगते हैं कि भाई राम तो रघुकल के तो जो कुल है वहां पे अभी कितने लोग हैं पता नहीं, कोई है ही नहीं शायद, लेकिन इस व्यक्ति के तो बहुत सारे लोग आज दुनिया में है ऐसे लगता है, क्योंकि हर एक चीज पे शक की नजर से देखने का, कोई भी कोई अच्छा काम करे या कोई करना चाहते हैं तो शक की नजर से देखिए। ऐसे कभी लगता है कि हमारे मराठी में तो ऐसा एक बोलते मजाक में हम बोल रहे थे कि सबसे पावरफुल देवी अभी शंकावती हो गई है, शंका माने शक, और ये सब शक की नजरों से देखिए कि आप कुछ भी अच्छा काम करें, कुछ भी करें, तो कहीं पे एक नैराशा भी एक तैयार होती है। लोगों को समझ में नहीं आता है कि भाई कोई जो बुरी चीज है वो फैलती है, जो झूठ है वो फैलता है, और एक जो सीधे रास्ते पे हम काम करना चाहते हैं करते हैं उसके ऊपर एक अटैक भी होते रहते हैं काफी बार। तो आज हम ये वर्तमान में जब हम दूसरों को बोलते हैं कि भाई नहीं, ये जो भी हो रहा है सच सत्यमेव जयते, लेकिन सच सच की ये सत्य की जीत कहीं तो ऐसा लगता है कि भी हार हो रही है। और आज कोई भी अच्छे व्यक्ति भी रहेंगे, संस्था रहेंगे, तो उनके अटैक होते हैं, और फिर कोर्ट में 20 साल 25 साल वो न्याय मिले ना मिले भगवान जाने, लेकिन एक इमेज खराब हो जाती है, ये सारी चीजें होते। तो एक आज ये कैसे एक रोल मॉडल हम बने और ये सारा सहन भी करे फिर भी अपना मार्ग ना छोड़े, तो इसके बारे में आप क्या सलाह दे सकते हैं? शक जो है या शंका जो कहते हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं। एक तो खुद पर शक करते हैं, खुद की शंका, सेल्फ डाउट जिसको कहते हैं। दूसरा, और लोगों की ईमानदारी पर शक करना। फिर तीसरा, अस्तित्व पर ही शक कर दें, कोई भगवान है कि नहीं पता नहीं है, इस तरह से वो शक। ये तीन तरह की शक होता। अक्सर सबको शक तो यही रहता है कि भगवान के बारे में सुना है देखा नहीं, इसीलिए भगवान पर शक करना बड़ी मामूली सी बात लगती है। सही बात, फिर वहां से दूसरे लेवल पर आते हैं, तो फिर चारों ओर देखते हैं, जिस पर विश्वास करते हैं उनसे धोखा मिल जाता है, तो अपनों से अलग जो और लोग हैं उनसे शक करने में तुले रहते हैं। और कुछ लोगों को ये शक की बीमारी अपने पर आ जाती है, फिर खुद पर ही शक हो जाता है, एक तरह की बीमारी कह सकते हैं। अब इसका इलाज क्या है? जब हमारा प्राण शक्ति बड़ा होता है, पहले तो खुद पर शक करना बंद करते हैं हम, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, आत्मबल मिल जाता है। ये प्राण ऊर्जा बढ़ने से, आत्मविश्वास बढ़ता, आत्मविश्वास जगता है तो समाज पर भी विश्वास करने लगते हैं हम, हर एक को शक के दृष्टि से देखना बंद करते हैं। इसका मतलब ये नहीं हर एक को विश्वास कर लेते, नहीं, मगर शक के दृष्टि से हम हट के विश्वास, देखिए विश्वास के बिना कुछ चलता नहीं। समाज, बैंक किसी को लोन देता है तो विश्वास पर देता है, कोई दूध देने वाला आपको सब महीने भर दूध देता है, आखिरी में वो पैसे लेता है। बिजनेस सब विश्वास पे ही टिकी हुई है। विश्वास हटा दे तो कोई कस्टमर नहीं, कोई माने कोई ग्राहक भी नहीं आगे आ सकता है, कोई व्यापारी भी नहीं सस्टेन कर पाए, टिक नहीं पाएगा।
इसलिए विश्वास, आपस में विश्वास ना करने से प्रगति हो नहीं सकता, व्यापार हो नहीं सकता, सामाजिक अर्थव्यवस्था बढ़ नहीं सकती है, ये एक बात है। फिर ईश्वर विश्वास, जब हमारी ऊर्जा इतनी बलवान हो जाती है और इतना अधिक होता है, तो हमें जो शक्ति जिसके जरिए ये सब कुछ चलायमान है, पूरी दुनिया जिसके आधार पर चल रही है, उस पर अटूट विश्वास होने लगता है। वो विश्वास हो जाए, फिर हमें अंतस्पुरणा जागते, जिसको इंट्यूशन कहते हैं, फिर कहीं गलत नहीं होता, वो सब चीजें अपने रास्ते पर बनने लग जाती हैं। सही बात।